So, देखो मैं पहले ब्रीफ कर देता हूँ हमने यहाँ पर क्या क्या देखा। So, हमने कल देखा था देयर इज समथिंग कॉल्ड एज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ये क्या है? तो ये मास एम को आप इंफिनिटी से अगर लाते हो तो जो वर्क किया जाएगा दैट वर्क विल बी गिवन एज वर्क इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स कौन सा रहने वाला है? ग्रेविटेशनल फोर्स। ये जो वर्क रहेगा दैट वर्क विल बी स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, अब यहाँ पर मास एम के जगह आप 1 kg मास अगर लेकर जाते हो तो दैट विल बी कॉल्ड एज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। और इनके बीच का रिलेशन क्या है? तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास। ठीक है, इसको समझने के लिए हमने कहा कि देखो जिस प्रकार से एकादे चार्ज के आजू बाजू में उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, एक निगेटिव चार्ज अट्रैक्टिव फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, एक पॉजिटिव चार्ज रिपल्सिव फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, वैसे ही एकादे मास के अराउंड ग्रेविटेशनल फील्ड रहेगी। अब मासेस में अट्रैक्टिव रिपल्सिव कुछ नहीं रहेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स ये हमेशा अट्रैक्टिव नेचर का ही रहेगा। एंड दैट्स व्हाई ये जो मासेस है इनके ऊपर ये जो मास है बड़ा मास मास ऑफ अर्थ, अगर हम अर्थ के बारे में बात कर रहे हैं तो ये अट्रैक्टिव फोर्स एग्जर्ट करने वाले हैं। एज अ रिजल्ट ये सभी मासेस अर्थ के तरफ खींचे जाते हैं, ये हमारा एक्सपीरियंस है। क्या सही है? यस सर। इसलिए हमने कहा कि एक मास अपने आजू बाजू में ग्रेविटेशनल फील्ड तैयार करता है। ग्रेविटेशनल फील्ड मतलब क्या? उसके आजू बाजू उसके रीजन में अगर ये कोई मास है कैपिटल एन, इसके आजू बाजू में अगर कोई दूसरा मास आएगा तो इट विल एक्सपीरियंस अट्रैक्टिव फोर्स एक्सर्टेड बाय दिस मास कैपिटल एन। सही है, ठीक है। अब एक स्टेप और आगे जाते हैं और थोड़ा सा समझ लेते हैं इसको, सो दैट आगे का पार्ट बड़ा आसान हो जाएगा। देखो ये मास है, अब देखो अगर कोई दूसरा मास मैं कंसिडर करता हूं, छोटा सा मास है, क्या इनके बीच में फोर्स लगने वाला है क्या? क्या इनके बीच में फोर्स लगेगा? बोलो। दो मासेस है सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस, क्या इनके बीच में फोर्स रहेगा? यस सर। अब ये फोर्स कैसे नेचर का रहने वाला है? अट्रैक्टिव। बहुत बढ़िया। अब मुझे बताओ अगर ये अट्रैक्टिव फोर्स है तो क्या सही में एक्सटर्नल फोर्स को वर्क करना पड़ेगा मास एम को आगे लेकर जाने के लिए? नो सर। नो सर। ठीक है, मास एम को तो वर्क करना ही नहीं पड़ेगा। फिर कौन वर्क करेगा? मास और ये एक्चुअली ग्रेविटेशनल फोर्स जो है अट्रैक्टिव फोर्स ये खुद इस मास को खींचकर लेकर आने वाला है। ठीक है, ये खुद इसे खींचकर लेकर आने वाला है, हमें कुछ वर्क नहीं करना है। ठीक है, हमें कुछ वर्क नहीं करना है, यही खुद इसको खींचकर लेकर आ रहा है। दैट्स व्हाई यहाँ पर हमारा जो वर्क आ रहा है दैट इज निगेटिव, क्योंकि ये अट्रैक्टिव फोर्स है, हमें इसमें वर्क ही नहीं करना पड़ रहा है, ये अपने आप खींचकर इधर आने वाला है। और इसलिए
हमारी ये जो एनर्जी आई है इसका रिलेशन क्या आया है, माइनस जी मास ऑफ अर्थ इनटू मास ऑफ ऑब्जेक्ट डिवाइडेड बाय आर। इस नेगेटिव का मतलब क्या है ये कोई मुझे बता सकता है क्या? इसकी एनर्जी नेगेटिव आ रही है मतलब क्या है सर? मास एम को वर्क ही नहीं करना पड़ा इसलिए नेगेटिव आ रहे हैं। और कोई एनर्जी एनर्जी रिलीज की जगह हमें ऐसा कहना पड़ेगा मास स्मॉल एम इज बाइंडेड विथ मास एमी एंड टू फ्री मास एम फ्रॉम एमी वी नीड टू प्रोवाइड एनर्जी टू स्मॉल एम। क्या सही में ऐसा होता है क्या? अब आपको रियलाइज होगा, हाँ सर बिल्कुल ऐसा ही होता है कि जब हम इस ऑब्जेक्ट को यहां से फेंकने के लिए एनर्जी देते हैं तब जाकर ये थोड़ा सा ऊपर जाता है, बट एज इट इज बाइंडेड विद दिस मास ये फिर से वापस आता है। क्या होता है ऐसा? ये अर्थ है, इस अर्थ के ऊपर अपन कैच कैच खेल रहे, ठीक है? अब कैच कैच खेलते वक्त हम क्या करते हैं, इस बॉल को फेंकते हैं, फेंकते हैं तो क्या हम इसको एनर्जी देते हैं क्या? हाँ या ना? बिल्कुल ना, हम इसको कुछ वेलोसिटी देते हैं, कुछ एनर्जी देते हैं, तो इसके कारण ये बॉल ऊपर जाता है। ऊपर जाने के बाद क्या होगा? हाँ, एक पॉइंट आ जाएगा जब इसकी वेलोसिटी जीरो हो जाएगी और ये फिर से वापस नीचे आ जाएगा। वापस नीचे क्यों आता है तो वही हमने यहाँ पर लिखा कि दिस मास एम इज बाइंडेड विथ मास एमी। ये मास एमी इसे अपने के साथ बाइंड करके रखता है। बाइंड कर किस प्रकार से करके रखता है? तो ये बाइंड इस फोर्स के साथ करके रखता है। ये फोर्स इसे पकड़ कर रखता है। कौन सा फोर्स है? ये अट्रैक्टिव फोर्स है। कौन सा अट्रैक्टिव फोर्स है जिसको हम कह रहे सही है क्या? इस मास एम को हमेशा इस बड़े मास ऑफ अर्थ ने अपने तरफ खींच के रखा है, पकड़ के रखा है। इसको दूर फेंकना है, दूर करना है तो आपको एनर्जी देनी पड़ेगी, आपको एनर्जी देनी पड़ेगी। अगर आपकी एनर्जी इनफ है तो ये दूर जाएगा, नहीं तो आपकी एनर्जी धीरे धीरे खत्म हो जाएगी, फिर से उसकी काइनेटिक एनर्जी जीरो होगी, वो वापस नीचे आएगा। क्या सही है? ध्यान में आ रहा है? सो एनर्जी निगेटिव है, इसका मतलब दिस मास एम इज बाइंडेड विथ दिस मास एमी। ये फ्री नहीं है। ऐसी कोई और चीज पता है क्या जो आपको पता है कि ये फ्री नहीं है? सर सैटेलाइट रिवॉल्विंग अराउंड अर्थ। ओके, और इलेक्ट्रॉन ये न्यूक्लियस के साथ बाइंडेड है, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कैसे आनी चाहिए? नेगेटिव। जब हम पढ़ेंगे या आपका किताब खोलकर देखो, यू विल रियलाइज कि इलेक्ट्रॉन की एनर्जी भी नेगेटिव रहेगी, बिकॉज वो न्यूक्लियस के साथ बाइंडेड है। उसे फ्री करने के लिए आपको एनर्जी देनी पड़ती है, जिसको हम आयोनाइजेशन एनर्जी करके आगे पढ़ने वाले हैं। सो वैसे यहाँ पर भी बिकॉज ऑफ दिस अट्रैक्टिव फोर्स ये मास भी
अर्थ के साथ बाइंडेड है, एंड दैट्स व्हाई वी ऑब्जर्व कि ये मासेस अर्थ के ऊपर ही रहते हैं, आप थोड़ी सी एनर्जी दोगे तो ये ऊपर जाकर वापस आते हैं, बिकॉज दैट एनर्जी इज नॉट इनफ टू मेक ऑब्जेक्ट फ्री फ्रॉम द इन्फ्लुएंस ऑफ अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स. अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स के चंगुल से फ्री होने के लिए आपने दी हुई एनर्जी इनफ नहीं है. तो सर क्या इज इट पॉसिबल कोई ऑब्जेक्ट यहाँ से फ्री होकर चला जाएगा? यस सर. कैसे चला जाएगा सर? ग्रेविटेशनल फोर्स से ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी. फोर्स से ज्यादा एनर्जी या ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी से ज्यादा एनर्जी? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी से ज्यादा एनर्जी. ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी से ज्यादा एनर्जी. क्या ये सही लॉजिकली है? क्या सही? देखो, दिस इज मास ऑफ अर्थ, ये ऑब्जेक्ट है. अभी इनके बीच का डिस्टेंस छोटा आर है. अगर बढ़ाते 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 ये डिस्टेंस इंफिनिटी हो गया तो ये फोर्स कितना हो जाएगा? पक्का हमारा फोर्स होता है कैपिटल जी एम ई इंटू एम अपॉन आर स्क्वेयर. अगर ये आर बहुत ज्यादा हो गया, बहुत बड़ा नंबर हो गया आर, तो आर का स्क्वेयर, सर आर का स्क्वेयर तो बहुत 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 बड़ा हो जाएगा. मतलब ये फोर्स क्या जीरो के तरफ जाएगा क्या? यस सर. सही है. अब सिमिलरली हमारे एनर्जी के साथ क्या होगा? यहाँ पे भी आर अगर इंफिनिटी हुआ तो एनर्जी किसके तरफ जाएगी? जीरो के तरफ. सही है क्या? यस सर. पक्का? सो क्या आप इसके साथ एग्री हो कि एट इंफिनिटी इस मास की एनर्जी जीरो रहेगी? ठीक है, क्योंकि देखो एनर्जी का रिलेशन इस प्रकार से है. सो अगर ये ध्यान में आ गया तो हम आगे का कंसेप्ट इंट्रोड्यूस करते हैं. जस्ट एक मिनट. हाँ, क्या कह रहे हैं हम समझ लो. हाँ, एस्केप स्पीड क्या है? इट इज मिनिमम स्पीड. मिनिमम. हाँ, इट इज मिनिमम स्पीड दैट शुड बी इम्पार्टेड, दैट शुड बी गिवन टू एन ऑब्जेक्ट सो दैट इट एस्केप्स फ्रॉम अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड और इट एस्केप्स फ्रॉम अर्थ ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस. ठीक है, इतनी स्पीड अपने को देनी चाहिए कि वो एस्केप हो जाए. उससे ज्यादा देनी है क्या? नहीं, इट इज मिनिमम. ठीक है, कंसिडर, हमने क्या कहा? कंसिडर एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास एम एट डिस्टेंस आर फ्रॉम अर्थ सेंटर. अर्थ के सेंटर से कुछ आर डिस्टेंस पर कोई एक ऑब्जेक्ट है हमारा जिसका मास है एम. तो हम कहेंगे एट इंफिनिटी इट्स टोटल एनर्जी शुड बी जीरो. ठीक है, क्यों? क्योंकि इंफिनिटी पर पोटेंशियल जीरो होती है. और अभी हम कह रहे काइनेटिक एनर्जी इंफिनिटी पर जीरो हो जाएंगी बिकॉज वी आर थ्रोइंग इट विथ एस्केप स्पीड. ठीक है, बट टोटल एनर्जी एट इंफिनिटी ये क्या होती है? काइनेटिक एनर्जी एट इंफिनिटी प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट इंफिनिटी. ठीक है, काइनेटिक एनर्जी एट इंफिनिटी जीरो क्यों हो रही है? बिकॉज हमने उसको एस्केप स्पीड से फेंका, वहां जाकर उसकी स्पीड जीरो हो गई. पोटेंशियल एनर्जी एट इंफिनिटी जीरो होती है, ये हमने देखा है. फिर हमने कहा बट प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या कहता है? टोटल एनर्जी एट इंफिनिटी शुड बी इक्वल टू टोटल एनर्जी एट आर. इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी एट आर प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट आर. बट हम कह रहे कि अगर हम एस्केप स्पीड से फेंकते हैं तो इन्फिनिटी पर टोटल एनर्जी जीरो होगी,
मतलब टोटल एनर्जी एट आर ये जीरो होगी, मतलब हाफ एम वी स्क्वेयर ये होनी चाहिए एस्केप वेलोसिटी प्लस पोटेंशियल एनर्जी ये जीरो हो जाएगी। अब देखो इस रिलेशन को ठीक से देखोगे, इसे लेफ्ट में लेकर जाओगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हाफ एम वी एस्केप का स्क्वेयर इक्वल टू जी एम ई इन टू एम अपॉन आर। कुछ कैंसिल हो रहा है, ये एस्केप वेलोसिटी का रिलेशन बन जाएगा, टू इधर मल्टीप्लीकेशन में आ गए, टू जी एम ई अपॉन आर, स्क्वेयर है तो रूट लेना पड़ेगा, अंडर रूट, अंडर रूट टू जी एम ई अपॉन आर। ठीक है, इफ आर इक्वल टू आर ई, दैट इज ऑन सरफेस ऑफ अर्थ। ठीक है, ऑब्जेक्ट एम ये आर ई डिस्टेंस पर है, मतलब सरफेस ऑफ अर्थ पर है, तो ये रिलेशन बन जाएगा वी एस्केप इक्वल टू अंडर रूट टू जी एम ई अपॉन आर ई। अब देखो हाँ, मैं जानबूझकर ऊपर नीचे आर ई से मल्टीप्लाई करता हूं तो क्या हो जाएगा, व्हाट इज जी एम ई अपॉन आर ई स्क्वायर, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, छोटे जी की वैल्यू है, छोटे जी की वैल्यू है, सो ये बन जाएगा अंडर रूट टू जी इंटू आर ई। ठीक है, अंडर रूट टू जी इंटू आर ई। सही है क्या? ठीक है, एंड इफ आर इज अबाउट द सरफेस ऑफ अर्थ तो दैट इज ये आर ई प्लस एच हो जाएगा। तो ये रिलेशन बन जाएगा एस्केप वेलोसिटी विल बी इक्वल टू अंडर रूट टू जी एम ई अपॉन आर ई प्लस एच। क्या सही है? इस प्रकार से आप एस्केप वेलोसिटी का रिलेशन लिख सकते हो। एस्केप वेलोसिटी ये मिनिमम वेलोसिटी है जिसके साथ आपको ऑब्जेक्ट को फेंकना पड़ेगा सो दैट इट विल एस्केप फ्रॉम अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड। थोड़ा सा फिजिकली समझ लेते हैं, सर आप क्या कह रहे हो? हम ऐसा कह रहे हैं कि ये मेरी अर्थ है, ये मेरी अर्थ है, इसका मास है एम। अब मुझे पता है यहाँ पर अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो उसकी एनर्जी रहती है, पोटेंशियल एनर्जी रहेगी माइनस जी एम इंटू एम अपॉन आर। ठीक है, अब मैं इसे काइनेटिक एनर्जी दे रहा हूं, कितनी एनर्जी दे रहा हूं, हाफ एम वी स्क्वेयर। अब देखो ये पॉजिटिव रहेगी, अब होगा क्या, जैसे जैसे ये ऑब्जेक्ट ऊपर जाएगा इसकी वेलोसिटी कम होते जाएगी, सही है ना, ये तो हमने देखा है, जैसे जैसे ऊपर जाएगा वेलोसिटी कम होती जाएगी, वेलोसिटी कम होते जाएगी तो काइनेटिक एनर्जी कम होते जाएगी, बट जैसे जैसे ये आर बढ़ेगा ये पोटेंशियल एनर्जी बढ़ते जाएगी। देखो माइनस फाइव से माइनस थ्री होना, आर की वैल्यू बढ़ गई, माइनस फाइव टू माइनस थ्री ये वैल्यू बढ़ते जा रही है। क्या सही है क्या?
यस सर। पक्का? यस सर। ठीक है, सो जैसे जैसे ऊपर जाएंगे वी डिक्रीज होगा, वेलोसिटी कम होती है, अपने को पता है क्यों होती है, बिकॉज ये काइनेटिक पोटेंशियल में कन्वर्ट हो जाती है। बट ये वी, अगर वी एस्केप से कम है तो क्या होगा, ये काइनेटिक एनर्जी ऊपर जाएगी, पोटेंशियल में कन्वर्ट हो जाएगी, बट स्टिल वी जीरो हो गया एंड पोटेंशियल एनर्जी ये माइनस थ्री ही है, तो क्या होगा, एनर्जी इज स्टिल निगेटिव, मीन्स ऑब्जेक्ट इज स्टिल बाइंडेड, ये फिर से वापस आ जाएगा। सो हमें क्या करना है, हमें इतनी एनर्जी देनी है सो दैट ये ऊपर चला जाएगा एंड इस पॉइंट पर पहुंच जाएगा कि ये पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो गई, काइनेटिक भी जीरो हो गई बट पोटेंशियल भी जीरो हो रही है। अब इसके कारण क्या होगा, जब ये इस पॉइंट पर पहुंचेगा तब इसकी पोटेंशियल जीरो है, पोटेंशियल जीरो है इसका मतलब क्या मास ऑफ अर्थ इसे बाइंड करके रख पा रहा है, क्या नहीं पा रहा है, काइनेटिक भी जीरो हो गई, ठीक है, काइनेटिक भी जीरो हो गई, पोटेंशियल भी जीरो हो गई, ये अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड से चला गया, ये अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड के बाहर चला जाएगा। अब इससे थोड़ी सी भी ज्यादा वेलोसिटी होगी तो बची हुई वेलोसिटी, एज देयर इज नो फोर्स देयर विल बी नो एक्सीलरेशन, और ये उस वेलोसिटी से कंटिन्यू आगे जाते हुए रहेगा, अनलेस एंड अंटिल कोई दूसरा प्लैनेट, दूसरा स्टार उसके आजू बाजू में नहीं आएगा और उसके ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण इसका एक्सीलरेशन होगा, ठीक है। हाँ, अगर आपने दी हुई काइनेटिक एनर्जी ये इसको इस पॉइंट तक पहुंचाने के लिए सफिशियंट नहीं है तो फिर ये ऊपर जाएगा, फिर पोटेंशियल एनर्जी निगेटिव रहेगी, मतलब अट्रैक्ट ये बाइंडेड रहेगा, तो बाइंडेड होने के कारण इसे फिर से वापस आना पड़ेगा, ठीक है। सो जब जब वेलोसिटी एस्केप वेलोसिटी से कम है, ऑब्जेक्ट कुछ हाइट पर जाकर वापस आएगा, व्हेन इट इज इक्वल टू एस्केप वेलोसिटी के इंफिनिटी पर जाकर रेस्ट पर आ जाएगा, व्हेन दिस वेलोसिटी इज ग्रेटर देन एस्केप वेलोसिटी, यहाँ से बाहर निकलने के बाद इसकी कुछ वेलोसिटी रहेगी एंड अब इसके ऊपर कोई भी फोर्स नहीं है तो ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चलते जाएगा। यहाँ ध्यान में आ रहा है क्या? यस सर। सभी को? यस सर। यस सर। अब अगर आप यहाँ पर वैल्यू पुट करके देखते हो तो आपको ध्यान में आता है ऑन अर्थ सरफेस एस्केप वेलोसिटी की वैल्यू इज 11.2 किलोमीटर पर सेकंड है, और के ग्रेविटेशनल फील्ड से एक आधे ऑब्जेक्ट को अगर निकलना है बाहर तो उसको अर्थ के सरफेस पर 11.2 किलोमीटर पर सेकंड इतनी वेलोसिटी देनी पड़ेगी। आपको लग रहा है कि सर फिजिक्स पढ़ाकर हमारी जिंदगी खराब कर रहे हैं, तो आपको सर को, मतलब मुझे 11.2 किलोमीटर पर सेकंड इतनी वेलोसिटी देकर फेंकना पड़ेगा सो दैट मैं वापस नहीं आऊंगा, ठीक है।